और अब आपको लेकर चलते हैं कर भवन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। अतिथिगण, अधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज हवा सड़क एलिवेटेड रोड का उद्घाटन संभव हुआ। मैं तमाम जयपुर वासियों और प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ कि लंबे समय से जिसका इंतजार था, डेढ़ दो साल कोरोना के ऐसे आए हैं, सब लॉकडाउन हो गए और ये काम समय पर पूरा नहीं हो पाया। आज इस खूबसूरती के साथ में, तिरंगे की लाइटिंग के साथ में और फाउंटेन लगे हैं नीचे, एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा, बहुत खूबसूरत है। आने वाले जो टूरिस्ट हैं, चाहे डोमेस्टिक थे चाहे वो विदेश आएंगे, उनके लिए भी मैं समझता हूँ एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस प्रकार से मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब विस्तार से क्या क्या योजना है सब बताई आपको, और ये प्रोग्राम अभी जो कल से प्रोग्राम हो रहा है इन्वेस्ट राजस्थान में, मेरे 3000 डेलीगेट आ रहे हैं, तो प्रोग्राम में जाना है, इसलिए मैं अपनी बात संक्षिप्त करना चाहूँगा कि सब बातें आपको मालूम है। जब आपने 22 साल पहले करीब मुझे मुख्यमंत्री बनाने का अवसर दिया प्रदेश जनता ने, तब जो पहली बार जयपुर में बयान देवी बन सके, साफ हो सके, अतिक्रमण हटे, सड़कें चौड़ी हुई, जवाहरलाल नेहरू मार्ग सही, और जो ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज की जो श्रृंखला बनी है उसके कारण आप देखिएगा कि आज जयपुर की आबादी बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो सुविधाएं मिल रही है वो शायद नहीं मिली थी। अभी भी ट्रैफिक जाम रहते हैं और छोड़ के चौड़ी होने के बावजूद भी, और आप देखिएगा जहाँ सिविल लाइन जाते हैं रास्ते में कर्पूर नगर आता है, एक कर्पूर नगर आधी सड़क और रोकी हुई था, कल्पना कीजिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई आते थे तो आधी सड़क तो कर्पूरी नगर की बनी हुई थी। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे तत्कालीन एडीसी थे मिस्टर गोयल, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया उनसे और कर्पूरी नगर वाले शिफ्ट हो गए वहाँ से। आज शानदार उन सड़क बन गई, अब ये और भी बन गया है, इससे और ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा था, उससे लोगों को सुविधा मिलेगी। 500 करोड़ की लागत से जो चौराहे पे जो सिग्नल लगे हुए हैं जहाँ पर तकलीफ होती है, तो सिग्नल फ्री, सिग्नल की जरूरत ही नहीं पड़े और सौंदर्यकरण भी हो, वो काम अलग चल रहा है। काम मैं समझता हूँ कि जयपुर में कमी नहीं रही है, इसलिए पूरे देश के जो टूरिस्ट हैं या जो आप देखते हैं कि जयपुर में कोई प्रोग्राम का प्रस्ताव आता है तो सभी लोग स्वीकार करते हैं। जयपुर आना मैं समझता हूँ आज देश का हर नागरिक पसंद करता है, इस रूप में जयपुर की खूबसूरती बढ़ती जा रही है, ये हमारे लिए बहुत ही सुकून की बात है और आप लोगों के बधाई की बात है। यहाँ चौपाटी भी बनी, प्रताप नगर में, मानसोर में, नायला में लोग बहुत ही मर जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि अच्छा मैसेज गया उसका भी, एक नवाचार भी हुआ। सेंट्रल पार्क बहुत पॉपुलर है, उसी ढंग का पार्क जो है
आप विटी रोड और मध्य मार्ग के बीच में बन रहा है, वो इससे सेंट्रल पार्क से बड़ा पार्क होगा और जो लोग उस दिशा में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। वहाँ कॉमर्शियल काम करने का तय किया था हाउसिंग बोर्ड ने, मैंने रुकवाया धारीवाड़ियों क्या करके, मैंने कहा कि वहाँ की पूरी आबादी को एक सेंट्रल पार्क की तरह सुविधा मिले ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मुझे खुशी है कि आज वो सेंट्रल पार्क काम चल रहा है, लोग अभी से जाके घूमने लग गए हैं। तो एक सोच की बात है जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने बजट में कहा था कि बबरू बस्सी चौमू चौसू स्वागी चंदा जी इसके मास्टर प्लान बनने चाहिए। मैं JDC को कहना चाहूँगा इस दिशा में मास्टर प्लान समयबद्ध तरीके से पूरे बनाएं और साथ में मेट्रो या लाइट ट्रेन ये सपना होना चाहिए जयपुर वासियों का, और ट्रैफिक कम हो, तकलीफ नहीं आए, ट्रैफिक जाम नहीं हो, उसके लिए जरूरी है कि चारों दिशाओं में मेट्रो कैसे पहुंच सके। सीतापुरा धम्बाबाड़ी वाला काम भी अभी आगे भटका पड़ा है, जबकि पहले जब मेट्रो बनी थी तब देखा कि टाइम बाउंड तरीके से मेट्रो का काम पूरा हुआ और लाभ मिल गया। सरकारें बदलती है तो उसके कई नुकसान भी होते हैं। रिफाइनरी 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था 55 लाख के अंदर, जिससे पूरे राजस्थान के लोगों को फायदा मिलेगा, नौजवानों को, कि जो 300 किलोमीटर पे जो आप पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के आधार पर जो इकाई लग रही है वहाँ पर प्लास्टिक आधारित उद्योग छोटे बड़े के होंगी भागीदारी होगी। सरकार बदल गई, 5 साल बंद रखा, पिछली सरकार ने उस काम को, चुनाव आए तो हमारे दबाव से वापस शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आया वहाँ पर और वो 40,000 करोड़ का काम 70,000 करोड़ पूरा होगा। आप सोच लीजिए 30,000 करोड़ ज़्यादा लगेंगे। तो ये जितने प्रोजेक्ट होते हैं, अभी RCP का प्रोजेक्ट है, वसुंधरा जी का शुरू किया गया है, हमारी सरकार चली जाती है तो वो बंद कर देते कामों को, हम वापिस आते हैं तो काम को बंद नहीं करते हैं, उनके वक्त का काम कोई भी हो। आप देख रहे हैं कि ERCP जो है 13 जिले में जयपुर भी आती है, करौली धौलपुर भरतपुर दोसा माधोपुर सब तकलीफ में अलवर, और हम चाहते हैं परमानेंट इलाज जो पीने के पानी का अजमेर में आता है, टोंक भी आता है, बूंदी भी आता है, उसको काम को अभी तक प्रधानमंत्री महोदय जो जयपुर में अजमेर में कह के गए थे कि राष्ट्रीय परियोजना बनाने का संकेत दिया था और पूरी योजना को खुद ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने खुद ने मीटिंग के अंदर जो हमने वीडियो दिखाया मीडिया वालों को, उसके बाद में कोई कारण नहीं है कि आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करो। वो इश्यू बना हुआ है पूरे 13 जिले के अंदर, तो वही योजना पूरी हो गई तो पीने के पानी का संकट हमेशा हमेशा के समाप्त होगा। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो स्थिति है वो आपके सामने है और आगे भी जिस प्रकार से हम लोगों ने फैसले किए उससे गांधी जयपुर की खूबसूरती बढ़ी, पुलिस की संख्या बढ़ी, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन टूरिस्ट हो, और उसी कारण से आज जो वर्तमान स्वरूप दिखता है घाट की घुड़ी बन गई, कितना बड़ा काम है सोच सकता है। गुजरी की थड़ी का अंडरपास बन गया, मेट्रो आ गई थी, बड़े बड़े काम हो गए हैं, सड़कें चौड़ी हो गई, पूरा मैंने कहा पूरा जयपुर का और बदल गया देश के अंदर, वो जयपुर शहर है जहाँ बैठे हुए हैं। और तो और पूरे राजस्थान में जो हमारी एक्टिविटी रही है वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से, उनके कारण से 3 लाख रुपए की GDP जो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे मापा जाता है कि जी देश का प्रदेश का विकास, 3 लाख रुपए बढ़ गई है उसकी, मतलब अब हमारे स्टेट GDP का आकार जो है 12 लाख करोड़ का हो गया है। आप सोच लीजिए किस प्रकार से विकास की रूप में हो रहा वो आपके सामने है। ये आंकड़े तो सरकारी आंकड़े हैं और ऐसे नहीं बनते हैं, बकायदा इसके जांच पड़ताल होकर के आंकड़े बनते हैं, गलती गुंजाइश बहुत कम होती है,
और तीन साल जो अभी हमारा आपने सरकार बनाई, आपको जाने खुशी होगी प्रति व्यक्ति आय जो होती है पर कैपिटा इनकम वो 26.81% बढ़ गई है प्रति व्यक्ति आय। कोरोना से मार भयंकर है, महंगाई की बहुत भयंकर मार है, कमर टूट रही है, मध्यम क्लास भी हो चाहे गरीब आदमी हो उनका जीना मुश्किल हो रहा है, लोग संकोच में बोलते नहीं हैं, इसलिए हमने सोशल सिक्योरिटी भी जोड़ दिया है। आज दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री, 10 लाख के अलावा आइए 10 लाख का बीमा, भगवान करे किसी घर में तकलीफ नहीं आए, पर कुछ तकलीफ आ गई, पहले लोग घबराते थे क्या करेंगे, मकान बेचेंगे, गहने बेचेंगे, अब आप देखिएगा कि किडनी ट्रांसप्लांट करना है, लिवर ट्रांसप्लांट करना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, वो भी आपके 10-15-20 लाख में लगते हैं, सरकार देगी आपके परिवार को, आपको तकलीफ नहीं आएगी। हिंदुस्तान में क्या अमेरिका दुनिया में कहीं ऐसी स्कीम नहीं होगी, पूरा इलाज फ्री आपके, सरकारी अस्पताल में जाओ IPD OPD सब फ्री है। तो ये एक अद्भुत निर्णय हुआ है सरकार का, जिसको पूरे देश के अंदर अप्रिशिएट कर रहे हैं। कई हमारे निर्णय ऐसे हैं जो पूरे प्रकार से देश में एकमात्र राजस्थान में हो रहे हैं। शहरी रोजगार योजना, अब नरेगा की तरह आराम से अब आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं गारंटी के साथ, 10-100 दिन का रोजगार गारंटी के साथ। और इतना अच्छा रिएक्शन है, मैं गया था गरीब साहब कॉन्शन जी के अंदर, एक महिला मेरे पास आई, था मेरे 3 बच्चियाँ हैं, पहली बार मैं घर से निकले काम कर पाऊंगी, क्योंकि 30 तरह के काम उसके अंदर, पौधारोपण का भी है, पानी पिलाने का भी, कई तरह के काम उसके अंदर। कहने का मतलब कि सरकार जो है इंदिरा रसोई खोल रही है, 8 तो खुल चुकी है, 8 रुपये भोजन मिल रहा, मैं खुद खाने गया भोजन इंदिरा रसोई में, इतना अच्छा लगा मुझे। जो खाना खा रहे थे वो प्रश्न बोल रहे थे, साहब देखिए हम यहाँ आके खाना खाना पड़ रहा है, क्योंकि 200 रुपये किलो तेल हो गया, साबुन की बट्टी महंगी हो गई, क्या क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरा कहने का मतलब है बेरोजगारी और महंगाई बहुत भयंकर रूप ले चुकी है। प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दे, किस प्रकार से ये फेज निकले हमारा, रोजगार उपलब्ध हो सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के अंदर। कल हमारे यहाँ पर 4 तारीख को जो मीट हो रही है इंडस्ट राजस्थान की, करीब 11 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। नवाचार हमने किया इस बार, पहले गवर्नमेंट ने किया था एक ऐसा प्रोग्राम, MOU साइन होते रहे प्रोग्राम के दरमियान भी, प्रोग्राम के बाद में, हम लोगों ने पहले ही कर दिए MOU साइन, जिससे कि लोग तैयारी करते हैं, हमारे अधिकारी भी आगे काम समय पर पूरा हो सके। उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आएगा, तो आज हम लोग 3,55,000 नौकरियां दे रहे हैं, आज तक इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। सरकारी क्षेत्र में 1.25 लाख के करीब देती, 1.25 लाख के करीब इंटरव्यू चल रहे हैं या एग्जाम हो रहे हैं, और 1 लाख मैंने घोषणा करी अभी बजट के अंदर। तो इस प्रकार से बड़े रूप में नौकरी मिल रही, पर उसकी सीमा होती है सरकारी नौकरी की। प्राइवेट सेक्टर आएगा, इंडस्ट्री आएगी, तब जाकर के लोगों को रोजगार मिलना प्रारंभ हो सकेगा, ये हम लोगों का प्रयास है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि बातें तो कह रही बहुत सारी है, तो चारों ओर से जो काम चल रहा है वो आपके सामने है, और उसी रूप में हम चाहते हैं कि जो हमने सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट दिया है, 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निश्चितजनों को, और जब दवाएं फ्री होगी, इलाज फ्री होंगे बूढ़े लोगों का भी, बुजुर्गों का भी, तो वो पैसा बच जाएगा उनके इलाज वाला, थोड़ा उनको सुविधा मिलेगी। फिर मैं कहना चाहूँगा आपको, भारत सरकार की हमारी मांग है, वो 200 रुपये देते हैं प्रति व्यक्ति मुश्किल से, वो भी लिमिट है 15 लाख या 20 लाख की, हम देते हैं 1 करोड़ लोगों की। हम चाहेंगे भारत सरकार भी आगे आए, और आज दुनिया भर के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी है, और देश के अंदर भी टाइम आ गई है, आप रेवड़ियाँ क्यों हो उनको, उनकी बजाय आपको सोशल सिक्योरिटी में दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं लोगों को। किसानों को हमने दिया है 50 यूनिट फ्री कर दिए बिजली की,
तीन महीने तक कम कर दिया हमने, उसका रेट कम कर दिए, अनुदान दे रहे हैं। आज 44 लाख लोगों के बिल जीरो आ रहे हैं राजस्थान में, 44 लाख लोग। ये भी उसकी कड़ी में है कि महंगाई की मार में और बेरोजगारी के अंदर कम से कम कुछ राहत मिले लोगों को मिले। इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी में भी बहुत बड़े काम हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा इन कामों को हाथ में लेंगे, जिससे कि राजस्थान में लोगों को जितना खुशहाल रख सकें वो हमारा प्रयास रहेगा। अब बात रही है ये हवा सड़क के एलिवेटेड रोड के बारे में, मुझे किसी ने सुझाव भेजा कि जो देश के हालात है, हम चाहते पूरा मुल्क पूरा प्रदेश आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन धर्म के लोग मानो मानव एक समान होते हैं, सबका जो कुदरत ने हमें ईश्वर ने दिया है सबका खून का रंग एक है, लाल है। ये तो हम मनाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन, आपस में भाईचारा परिवार में झगड़े होते हैं वो परिवार ऊपर कभी नहीं उठता है। ये बात लागू होती है किसी जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। आपस में सब लोग मिलकर रहेंगे प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, सद्भावना से, तब जाके हमारा मान सम्मान जो दुनिया के मुल्कों में है कि आज हिंदुस्तान में 70 साल के बाद में लोकतंत्र कायम रहा। इंदिरा गांधी जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बैनर्जी भी शहीद हो गए, आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया। नई पीढ़ी को नहीं मालूम है क्या और के घटनाएं होती थी। आज 25 मर गए, आज 50, आज 70, बस के अंदर ट्रेन के अंदर कितने लोग मारे जाते थे उस जमाने के अंदर। वो था आतंकवाद का आतंक था, पूरे खौफनाक था, उनको खत्म किया। हम चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री महोदय को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपील करो, आपकी बात का ज़्यादा आशा है कि पूरा देश के लोग आपस में भाईचारे से रहो, शांति से रहो, सद्भावना से रहो और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसमें क्या अर्थ है, हिंसा का जवाब कभी हिंसा हो ही नहीं सकता, फिर तो कोई अंत ही नहीं है जो गांधी जी ने कहा था। आज राहुल गांधी निकल पड़े यात्रा में महंगाई को लेकर भी, बेरोजगारी को लेकर भी, और साथ में यही बात जो बोल रहे हैं वो देश में शांति सद्भावना प्यार मोहब्बत भाईचारा रहे, हिंसा नहीं हो कहीं पर भी। और आज माहौल है आतंक का माहौल है, ईडी इनकम टैक्स CBI क्या कर रही है आपको मालूम है, पूरा देश डर रहा है, घबरा रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे माहौल में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, और मैंने तय किया है ये जो ब्रिज बना आपका ये नया अद्भुत, इसका नाम ही भारत जोड़ो मार्ग के रूप में होगा। ये मैं कह रहा हूँ, इसमें सभी जाति सभी वर्ग सभी धर्म के लोग आएंगे, याद करेंगे कि यात्रा निकल रही थी देशव्यापी जिसके अंदर भारत जोड़ने की बात की गई, भारत जोड़ा जाना चाहिए, मजबूत रहनी चाहिए, संविधान की रक्षा होनी चाहिए और लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए हैं कि 76 साल तक कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र को मजबूत किया, पाकिस्तान की तरह सैनिकों के साथ कभी नहीं होने दिया, वरना कभी मुल्क एक वक्त नहीं रह सकता था। वही भावना आने वाली पीढ़ियों को सौंप के जाए, आने वाली पीढ़ियों को सौंपने का काम आपका हमारा है, जो आज की पीढ़ी है वैसी संस्कार वैसी परंपरा निभाएं, बच्चों को शिक्षा दें, तब जाकर के पीढ़ी दर पीढ़ी देश मजबूत रहेगा, एक रहेगा, अखंड रहेगा, हिंदुस्तान का नाम दुनिया के मुल्कों में सम्मानित अच्छे से गांधी के मुल्क के रूप में देखा जाएगा। इसी मैं कहना चाहूँगा, धर्म के नाम पर कई बातें ऐसी होती है कि लोग अलग ढंग से सोचते हैं, पर मैं समझता हूँ कि अंतिम विजय वही है, सत्य ईश्वर है जो गांधी जी ने कहा था। सत्य का मार्ग ही जो है वो सच्चा मार्ग है, हर धर्म ये सिखाता है। क्या क्या अलग करके हम लोग आपस के अंदर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर दंगे हो जाते हैं। उदयपुर की घटना में बताई है कन्यालाल की, एक व्यक्ति का गला काट दिया, क्या बीती होगी परिवार में, क्या बीत रही है समाज पर। वो तो ठीक है पकड़े गए वो लड़के,
ऐसी घटनाएं देश में किसी कोने हो, किसी धर्म के साथ हो, किसी धर्म का आदमी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का हो, हिंसा का कोई स्थान नहीं है देश दुनिया के अंदर। देखते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर भी, क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या हो रहा है, ऐसा फेज चल रहा है दुनिया के मुल्कों के अंदर भी और देश के अंदर भी। यूक्रेन में चल रहा है बिना कोई कारण के भी। इतने में आपको आह्वान करना चाहूंगा, भारत जोड़ की भावना को हमें आत्मसात करना चाहिए, प्यार का मोहब्बत का भाईचारा संदेश दें। ये बात कहता हूँ मैं, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।